तो फ्रेंड्स ये जो बुलेरो है, इस बुलेरो में हो गया है थोड़ा सा नुकसान। नुकसान कैसे हुआ कि भी कुछ दिन पहले जो आंधी चली थी, वो आंधी तूफान में क्या हुआ कि ऊपर से सोलर पैनल उड़ के आया, सोलर पैनल जो हमारे छत पे लगा था, और वो उड़ के आके सीधे गाड़ी के ऊपर गिर गया। जो कि आपको ये दिख रहा होगा, जैसे गाड़ी का ग्लास डैमेज हो गया, ये शीशा पूरा टूट गया, यानी कि शीशा अंदर तक, ये देखिए नीचे से मैंने टेप लगा रखा है क्योंकि इसके कांच के टुकड़े भी अंदर आ गए थे, और यहाँ पर ये पूरा एक पत्थर गिरा था, ये पूरा यहाँ से स्क्रैच आया और एक यहाँ पे डेंट आ गया। तो इस गाड़ी को अभी आज रिपेयर करेंगे हम, देखिए क्या कम से कम खर्चे में क्या क्या मैं इसमें रिपेयर करता हूँ। और मेन सबसे बड़ी चीज़ तो इसका ग्लास है। इसका ग्लास डालने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तरीका क्या डिफरेंट होता है कि इसमें रस्सी वाला ग्लास पड़ता है, यानी कि रस्सी से फंसा के इसका शीशा डाला जाता है। तो ये जो मेन ग्लास है, इसकी कॉस्ट कितनी आई क्या है, चलिए मैं अभी आपको बताता हूँ। और सबसे पहले तो इस शीशे को निकाल लेते हैं। तो ये देखिए इसको निकालने का तरीका क्या है। निकालने का तरीका भी इसका बहुत आसान है क्योंकि इसमें कोई सीलेंट वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है, सिंपल स्क्रू ड्राइवर से बस ये पीछे से इसकी रबड़ को फोल्ड करते जाना है और एक तरफ से पैर दबाते जाना, प्रेशर जैसे कि ये इसमें दबा रहे हैं ऐसा दबा के, और इस तरीके से ये शीशा पूरा बाहर निकलेगा। यानी कि ये रबड़ की फिटिंग है, कोई सीलेंट वगैरह इसके अंदर नहीं है। देखिए जैसे जैसे दबा रहे हैं और इसे रबड़ को पीछे कर रहे हैं और ये शीशा यहाँ से बाहर आ रहा है, ये देखिए सिंपल, यानी कि ये कुछ चिपका हुआ नहीं था। और ये लगाने का इसका तरीका भी काफ़ी यूनिक है। लगाने का तरीका भी रस्सी फंसा के इसको लगाया जाता है। तो वो रस्सी फंसा के कैसे लगाते हैं वो भी अभी हम इसमें दिखाते हैं। और इसका नया शीशा कितने का मिला मुझे वो भी मैं अभी आपको ये बताता हूँ। पहले ये शीशा उतर जाए, ये देखिए ये उतर गया। और यहाँ पर एक डेंट है छोटा सा, क्योंकि यहाँ पर उसका पत्थर गिरा था जो साथ में अटैच था पैनल के, तो यहाँ पर डेंट आ गया। तो उसको भी हमको पहले थोड़ा सा सीधा करना पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ पर डेंट है। और ये होती है इसकी रबड़, यानी कि जो रबड़ हम अंदर से डीली कर रहे थे वो ये रबड़ थी। उस रबड़ को भी क्लीन करना है और साथ साथ एरिया जो है ऊपर का वो भी क्लीन करना। और ये एरिया जो डेंट आया था, ये देखिए इसको थोड़ा सा सीधा कर लेंगे ताकि इसमें रबड़ अच्छे से फिक्स हो सके। और सिंपल ये है इसका शीशा जो मैंने लिया है, ये ब्लेरो के लिए ही है। और ये शीशा मुझे थोड़ा सस्ता मिला, 800 रुपये का शीशा मिला है मुझे। ये 800 रुपये का शीशा मिला है, प्लस इसमें लेबर चार्ज जो लग रही है इसमें 300 रुपये लेबर है। 300 रुपये यानी कि 300 रुपीज़ लेंगे ये हमसे जो डेंटर हैं इसको फ़िट करने के लिए। और कैसे फ़िट करेंगे उसका एक यूनिक तरीका, वो भी देखते हैं। पहले शीशा खोल के कर लेते हैं चेक। ये देखिए पैकिंग खोल दी हमने और शीशा अच्छा है, इसमें कोई ऐसा बुराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन हाँ जेन्युइन नहीं है, जेन्युइन शीशा इसका थोड़ा सा महंगा है। ये भी देखिए बैचिंग वगैरह लगी हुई है, ड्यूरा नाम से ऐसे कंपनी है ये, लेकिन ठीक है शीशा, कोई बुराई नहीं है। और ये इस तरह से इसमें रबड़ फिट हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे नीचे ही रखे इसकी रबड़ फंसानी होती है, और ये रबड़ केवल इन लोगों ने साफ़ कर ली अंदर से। साफ़ करने के बाद ये रबड़ ऐसे फिट की पूरे कोने में चारों तरफ घुमा के, यानी कि इसकी जो फिटिंग है बिल्कुल बराबर कॉर्नर वाइज ये मिलाते हैं, यानी कि कॉर्नर से कॉर्नर सारी फिटिंग मिल जाएगी और ये जो रबड़ है ये अंदर बैठ जाएगी। अब रबड़ अंदर बैठ जाने के बाद ये देखिए ये पूरा इसको सेट कर देंगे कि कहीं से भी इसकी फिटिंग बाहर ना रहे। अब इसके बाद इसका नंबर आएगा इसमें रस्सी फंसाने का। ये देखिए रस्सी फंसाने का तरीका, और रस्सी फंसाने का तरीका ये है कि ये कॉर्नर से शुरू करते हैं और पूरे कॉर्नर में, यानी कि जो अंदर वाला खांचा रहता है, जो खांचा जाके गाड़ी की बॉडी में बैठता है, उस खांचे के पास ये रबड़ रस्सी इसमें लगा दी जाती है। अब रस्सी लगाने का तरीका ये है कि इसको इस तरह से राउंड करेंगे और जहाँ पे दोनों मिलेंगे वहाँ इसको ऊपर से क्रॉस कर देंगे। ये क्रॉस ऊपर या नीचे दोनों किसी भी साइड में रख सकते हैं, यानी कि जो फ्रेम के ऊपर आने वाला है या नीचे आने वाला है। तो फिलहाल ये नीचे आने वाले में रखा है इन्होंने, ये देखिए, और यहाँ पर इस रस्सी को क्रॉस करके छोड़ दिया। अब इसी तरीके से इसको दो लोग उठाएंगे और ये ले जाके गाड़ी पे फिक्स करेंगे, यानी गाड़ी पे पहले इसको खाली रखेंगे साइज़ मैच करके कि इधर उधर ना हो। ये देखिए इस हिसाब से साइज़ मैच किया और इसको रखेंगे। अब एक आदमी इसके अंदर जाएगा और अंदर जैसे आपको रस्सी दिख रही है रखी हुई, वो उस रस्सी के सहारे इसको अंदर खींचेंगे। ये देखिए ये रस्सी है, लगभग ये मैच किया हुआ है, अभी पूरा फिक्स नहीं हुआ है। और फिक्स करने के लिए देखिए ये वो जो रस्सी उन्होंने बिडिंग में फंसाई थी, वो बिडिंग में फंसाई हुई रस्सी वो धीरे धीरे खींचते जाते हैं और ये रबड़ धीरे धीरे अंदर को फिक्स होती जाती है। यानी कि इसको रबड़ को फिक्स करना है, जैसे ये रस्सी के सहारे शीशा अंदर खींच जाएगा और ये बॉडी में पूरा मैच हो जाएगा।
लेकिन इसको करना बहुत सावधानी से पड़ता है, यानी कि इसमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। इसको कभी भी अपने आप ट्राई करने की कोशिश ना करें। मैंने भी नहीं किया, मैंने भी एक प्रोफेशनल को दिया, जो कि ये डेली जिनका काम होता है लगाने का, वो लोग इसको अच्छे तरह से लगा सकते हैं। अगर हम सोचेंगे हम इसमें तो नहीं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, शीशा तोड़ बैठेंगे। और दूसरी चीज़ एक ये भी है कि एक आदमी अकेला इसको नहीं लगा सकता, इसको दो तीन लोग चाहिए होते हैं सपोर्ट करने के लिए। जैसे कि देखिए, बाहर से एक आदमी ने वहाँ से पकड़ा है, एक आदमी ने उधर से, और फिर ये अंदर से इसको रस्सी से सेट कर रहे हैं। और कॉर्नर सेट करना ज़्यादा जो टाइम लगता है इनको, कॉर्नर सेट करने में लगता है, यानी कि कॉर्नर्स में जो है रस्सी फंस जाती है, उसको फिर अंदर स्क्रू ड्राइवर से खींचते हैं, तब जाके ये किसी तरीके से सेट आता है। और इसके आगे जो डेंट आया था बोनट पे, बोनट का डेंट जो है वो अभी तो मैं इसका नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि अभी इससे काम चल जाएगा। जो मेन सब्जेक्ट था वो मेरा शीशे का ही था, तो अभी मैं शीशे को ही करा रहा हूँ, और इसके बाद जब नेक्स्ट थोड़ा सा और खुलेगा माहौल, तब मैं ये बोनट का पेंट वगैरह जो होगा वो भी कराऊंगा, और इसका डेंटिंग कराऊंगा, और उसका खर्चा भी आपको दिखाऊंगा कि कितना खर्चा आया और कौन सा मैंने पेंट कराया और कैसे किया। तो बहरहाल अभी ये देखिए फाइनल फिटिंग पे ही है, एक ही ऊपर से कॉर्नर से दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए जब से ऐसे खींचते हैं और ये बाहर से शीशा अपने आप अंदर फिक्स होता चला जाता है। तो इसी के साथ ये लगभग कंप्लीट हो चुका है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।